इवेल्यूएट 0 to π, लेट आई इज इक्वल टू 0 to π एक्स साइन एक्स अपॉन 1 cos² x dx, इसको इवेल्यूएट करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे, एंड वो क्या होती है, वो होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स को हम 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 to π एक्स जहां भी है वहां पाई माइनस एक्स, वन प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वेयर dx, साइन 180 माइनस, यानी देखो 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव एंड पाई पर नो चेंज, तो ये बन जाएगा 0 to π साइन एक्स, और ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वेयर से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसको सेकंड बोले, इसको बोले फर्स्ट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, 0 to π एक्स साइन एक्स अपॉन 1 cos² x प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 cos² x dx। अब आप देखें तो यहां पे हम एलसीएम तो जो सभी का सेम आ जाएगा 1 cos² x, दोनों में से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एंड एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो यहां बचा पाई, पाई कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर ले लेंगे, 2i इज इक्वल टू पाई 0 to π, यहां पे हो गया साइन एक्स अपॉन 1 cos² x dx। अब आप समझें कि क्या हम करेंगे, यहां अगर हम cos x को पुट कर दें तो ये sin x यहां से चला जाएगा, तो हम यहां पुट करने वाले हैं cos x को t, विच इंप्लाइज माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, या फिर sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब जब हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t कितना आ जाएगा, cos 0 इज 1, व्हेन x इज इक्वल टू पाई t इज इक्वल टू cos पाई दैट इज माइनस 1। तो नई लिमिट्स क्या आ गई हमारे पास, 1 to -1, एंड साइन एक्स माइनस डी एक्स ये माइनस डी टी बन जाएगा 1 + t². माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, एंड 1/1 + t² होगा टेन इनवर्स टी 1 to -1, सो 2i इज इक्वल टू -π, एंड टेन इनवर्स ऑफ -1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1। टेन इनवर्स -1 माइनस टेन इनवर्स 1 के बराबर होता है, सो -π माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1। आप रीजन भी बता देंगे, बिकॉज टेन इनवर्स -θ इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा। ये हो गया माइनस 2 tan inverse 1, एंड ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज 2π टेन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू में यहां बचेगा पाई, सो पाई इंटू π/4 दैट इज π²/4। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो π² / 4 होगी।